घर में खुदा यीशु मसीह का पाक रोता रहता है, उस घर में परेशानियां, मुश्किलें, बीमारियां चली जाती हैं। तो हम कलाम सुनते हैं तो उनके ही दरमियान वो साथ होते हैं जो खुदा पर ईमान लाते हैं। जब हम ईमान लाएंगे तो हमारे दरमियान ही बड़े बड़े मौजे होंगे। जब किसी भी हम बेटी पर या किसी बेटे पर हाथ रखेंगे तो वो क्या करेंगे, शिफा पा जाएगा। वो पाए बीमारी हो, चाहे कोई बदरूह में झगड़ा हो, चाहे कोई परेशानी में है, कोई मुश्किल में है, जब हम उसके लिए ईमान रख के दुआ करेंगे तो खुदा हमारी दुआ को सुनकर उस बेटी को या उस बेटे को रहाई दे देगा, वो बीमारी से शिफा पा जाएगा। क्योंकि उस बेटे का जो उसके लिए दुआ कर रहा होगा, क्योंकि उसका ईमान खुदा पर है। जिसका ईमान खुदा पर होता है, खुदा उनके ही दरमियान मौजे करता है। आमीन, आमीन। हाँ, उन्हें अच्छी गल की थी, तद नूं आमीन कराए। हाँ, मेशक्स की कहानी को और लाजर कहानी को जानते हैं तो हमें साफ पता लग जाता है जो मेशक्स